रही हो ना, भाई कुछ अगर बातें हम बोल ऐसी दे है जो तुम चुप, ऐसी बोलो कि हमका कोई भी लड़की ना मान सके, बस सीधी सी बात है। अगर हम बोले चुप, कोई भी डांस बचाओ हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज है पूरी 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त। और आज से मैंने कुछ नए नियम स्टार्ट किए हैं अपने लिए। आज से मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं टाइम पास नहीं करूँगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा और मैं ब्लॉग बनाने में शर्माऊँगा नहीं और खुल के ब्लॉग बनाऊँगा। और ब्लॉग में मतलब पिछले काफ़ी दिनों से ब्लॉग आ रहे हैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको देखने में, मतलब मैं दिल से नहीं बना रहा। और आज से जो करूँगा दिल से करूँगा, मेहनत करूँगा, टाइम पास नहीं करूँगा और इंस्टाग्राम में टाइम पास नहीं करूँगा, ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाऊँगा और प्रोडक्टिव काम करूँगा जो मतलब ज़रूरी है मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वही वही काम। इससे ये रहता है जब मैं प्रोडक्टिव काम करता हूँ ना, और फिर मतलब जब प्रोडक्टिव काम करता हूँ ना पूरे दिन में, तो मेरे को लगता है हाँ मैंने मेहनत करी आज, फिर उसका रिजल्ट मिले या ना मिले तो उस दिन ना अच्छा लगता है, नींद भी अच्छी आती है, दिमाग भी अच्छा रहता है, दिल भी खुश रहता है। मतलब अपना काम जब मैं पूरा कर देता हूँ ना, अपनी मेहनत पूरी कर देता हूँ तो अलग ही महसूस होता है। अब जैसे जिस दिन मैं टाइम पास कर देता हूँ तो उस दिन मेरे को ना अंदर से चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा महसूस होता है, तो वैसा नहीं करूँगा आज, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बाकी सुबह के 9 बज रहे हैं और बस मैं नहा के सीधा काम पर निकलूँगा। हाँ, पहले एक दोस्त से मिलने जाना है, उसके साथ एक लफड़ा हो गया है, वो यही वाला काम करता था मेरे वाला, सिलाई वाला, उससे मिल के ही बताऊँगा, ठीक है। बाकी चलो अभी नहाना है मेरे को, नहा धो के तब निकलूँगा। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, बाकी व्यूज़ व्यूज़ बहुत कम हो गए मेरे वीडियो पे आना, पर कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, अब मेरे को अच्छे से ब्लॉग बनाना है अपना दिल खोल के। चलो जी अभी मेरे को करना है अपना ब्लॉग एडिट, संडे का फैक्ट्री निकलेंगे। चलो जब तक वहाँ हरकतें दिखाते हैं अपने लड़के की, मेरा लड़का ना बहुत शैतान हो गया, बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, उसकी शैतानियाँ दिखाता हूँ मैं भाई। हेलो, एक बात बताओ सच, तुम्हें हमारे ब्लॉग बनाने से कोई दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत? तुम ब्लॉग में आती हो उससे कोई दिक्कत है? ना, हमें कोई दिक्कत ब्लॉग तुम्हारे। देख लो भाई, जो जो लोगों को लगता है कि भाई मतलब बोलते हैं कुछ रिश्तेदार है भाई हमारी, उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हम नहीं करना चाहते अपने ब्लॉग में। बाकी हाय बोल दो एक बार मुस्कुरा के, ये हाय। चलो बनाओ खाना, बाकी पापा काम पे चले गए। और हाय दादी, हेलो। हेलो दादी, हेलो। अपने बारे में बताओ। क्या बताऊँ, कैसी हो तुम? सही ना। क्या बुड्ढे की तलाश है आपको? हाँ बुड्ढे तेरी तलाश हमारे हैं। तुम तो शादीशुदा है पहले से ही। शादीशुदा है जी, शादीशुदा। अब तो एक एक चक्कर रहा करता है। दादी भाई दिन में गायब हो जाते हैं। घूमने गए दादी तो मैं उनकी फैला दी देखो। ओ देखो दादी भाई दिन में दिन दिन में घूमने निकल जाती हैं। चलो भाई हाय। चलो ठीक है, ये बुड्ढों के शौक पालना छोड़ दो, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये देखो दादी के रस छुपा के रखा। ना 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 इन्हें खिलाओ, जो हमारी वीडियो जो हमारी वीडियो देख रहे हो उन्हें खिलाओ। चाय के संग गए ना खे, अब मुंह कुछ ना दो दादी। हेलो, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। ये देखो नंगो तना है को ना, सोने का सिक्का उठाइयो। हाय विराट को सोने का सिक्का वो गिर गया। चॉकलेट है ना ये तो, चॉकलेट। हाँ अरे खा लिए, पकड़ाई। अच्छा इससे गिर गई थी, कागज खा लिए। हाय इसकी वजह से ना येलो डोलर आ जाता है, इसको देखना पड़ता है अगर ये ज्यादा नंगा उंगा हुआ ना। अरे रुको 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 रुको, बहुत शैतान हो गया ये विराट। मम्मी विराट की वाली हरकत देखियो, अभी देखना एक हरकत दिखाता हूँ। देखो विराट की 9 महीने हुई है ना, 9 महीने से ज्यादा हो गया अब। अच्छा कल दो तो 9 महीना, 9 महीने का पूरा हो गया ये। आज तो विराट इसके दांत भी निकलने लग गए, दांत दिखे विराट एक बार। ये देखो दांत निकल, ये देखो ये देखो, 6-4-5 दांत निकल आए 9 महीने में, दांत निकल गए 5। घुटने चल लेता है अभी, पैदल नहीं चल पाता, पर शैतानी बहुत बढ़ गई है इसकी।
हाँ, और रात को भाई बारिश हुई है काफी, तो मौसम ठंडा है, इतना इतना भी ठंडा नहीं है पर ठीक ठाक है। ऐसे मीठी चीज ना खाते ना, चलो एक दिन अपना भी ऐसे ही हाल होना है। जिस सास है मैं लगा उनकी अंटी की। एक सवाल पूछें? अरे जो पूछने हैं वो बताओ। तुम हमारी बात क्यों ना मानती हो? मानते तो है ना, कैसे माने हमारी बात ऐसे मानने, अगर तुम बात भी कर रही हो ना भाई, कुछ अगर हम बोले तो तुम ऐसी बोलो तो हम का कोई भी लड़की ना मान सके, बस सीधी सी बात है। अगर हम बोले चुप तो चुप, अच्छा अगर हम बोले तो बोलो, अच्छा, तो बोलो, अच्छा पति भगवान का रूप होता है, अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ बात ऐसी जो हम का कोई लड़की, अगर कलेशबाजी हो रही है, अगर हमने बोल दी है कि भाई चुप हो जाओ, कलेशबाजी तो चुप हो जानी है, क्यों होता है, हम का रहता है। Yes. कभी तुम कभी भाई एक बात बता, मैं सच्चाई मत बोल बाबू, ठीक है। एक बात बताओ, हमने एक बात बताया, आज से 1 अगस्त है, 1 तारीख है, तो यार हमारी वीडियो व्यूज ना आ रहे यार, इसको क्या करें भाई, हैं 100-120-130 व्यूज आ रहे खाली हमका। तो इसमें तो बता सकती हो, हौसला तो बढ़ा सकती हो अपने पति को, मेरा तो हौसला तोड़ देता हूँ। कलेसी औरत, कलेसी देखो है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही जो मैं पूछ रहा हूँ, तुम बोल ले कलेसी उसको, चलो ठीक है, प्यारी औरत, बढ़िया औरत, सुंदर औरत, ये बात अगर पहले बोल रही हो तो कलेसी ना हो तो सॉरी, बता दो ना। सुबह का नाश्ता क्या क्या बोल रही, क्या बोल रही, पहले मम्मी वीडियो बंद कराओ फिर बताया तुम्हें, क्या मम्मी रैम तो ना लग रही है, तेरे लग रही यार के सब नहीं लग रही, सब दो कहीं क्या तरह मुंह से ना बोल पा, ये गुस्सा दिला रही थी वो मम्मी, बहुत तेज लग गई, अच्छा सॉरी ना, सॉरी सॉरी, तो कई आदत खराब कर ले रो, इतनी तेज मार दी, ऐसे होता, अच्छा 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 अच्छा, बोला रे पिला दे बंगिया, बोली रे पिला दे बंगिया, अरे बोला रे पिला दे बंगिया, अरे बोली रे पिला दे बंगिया, चले ये वर्ष हाँ तुम्हें मारा है, देखियो देखना, पकड़े 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 पकड़े, विराट वो विराट, कोई विराट बचाओ, रणजीत रणजीत विराट रणजीत, मजा आ रहा है, ये रोता है भाई, इसकी मम्मी को मारता हूँ ना, ये रोता है, संजय को मरवा दे, ले ये पकड़ के, संजय आ ले ये तो, किसको संजय ले ये को मरवा, जब जान से बाहर को ये नहीं 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 तो बचाए, चलो एक काम पे निकल चुका हूँ मैं, और शिवम सुन ले, आज से नो टाइम पास, ओनली मेहनत, समझ बात को, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। चलो भाई आगे अपनी फैक्ट्री बात करते करते, और अंकल जी हवा तो कोई आए नहीं क्या, आए नहीं क्या ग्राहक,
बारिश का टाइम चल रहा है। चलो चलो भाई शुरुआत करते हैं अपने काम की। और तुम्हारे भाई ने देखो पंखा कैसे रख लिया, तो यहाँ बैठता हूँ और काम आगे वाला माल बना रहा हूँ। ये सिलाई करी थी मैंने कल। चलो और ये देखो आज से इस चीज़ को लागू करना है। ये मैंने अपने वो बना रखे हैं, मतलब जिससे मैं मतलब इनको देख देख के मेरे अंदर मेहनत करने का जज्बा बना रहे। दिखा देता हूँ सारी चीज़ें इसमें है आज क्या करना है, ये मैं बार बार देखूँगा तो कुछ ना कुछ आज करने का वो प्लान बनाऊँगा। मेरा प्लान उल्टी मेहनत। इसके बाद है टाइम पास मत कर प्लीज़ वरना पछताएगा। आज क्या किया, ये रात को जब मैं छुट्टी करके जाऊँ तब तो अपने आप से बात करके ये कह सकूँ आज क्या किया। यूट्यूब ग्रोथ और ये देख लो कॉमन खर्चे, कुछ भी हवाई रेंट को देना है 8,000 रुपये, खाना 5,000 रुपये पूरे महीने का बता रहा हूँ, और फल सब्जी 2,000 रुपये। ये मेरी वाइफ का ज्योति नाम है ना उसका, उसका खाना रहना कपड़े मेकअप घूमना अपने घर जाना ये खर्चा मेरे को उठाना है। मोम डैड उनकी एज बढ़ रही है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, उनके शौक भी हैं, उनका बुढ़ापा भी आने वाला है, उनका ख्याल भी रखना है बुढ़ापे में। ये मैंने इसलिए बना रखा था कि इनको देख देख के मैं मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाऊँ। भाई बहन उनकी शादी देखनी है, दहेज वहेज भी देखना होता है, ठीक है, उनका करियर, उनके लिए लड़का भाई के लिए लड़की बहन के लिए लड़का और भाई के लिए लड़की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भाई बहन की अभी तो नहीं ले रहा, फिर लेनी पड़ेगी आगे उनके खर्चे। बाकी आ गया मेरे विराट का, मतलब मेरे बेटे विराट का, विराट नाम है उसका, उसके कपड़े उसकी खाने की चीज़ें ये खर्चे, उसकी पढ़ाई ये खर्चे। ये तो भाई बहुत सोच सोच के टेंशन होती है, स्कूल्स उसकी हेल्थ बीमारियाँ और उसके खिलौने, ये सब मेरे खर्चे हैं मेरे को देखने हैं। बाकी एक ये बना रखा है आज अपने करियर से संबंधित क्या किया, ऐसा मैं इसे देख के अपने आप को बोल सकूँ, तो ऐसा कुछ बना रखा है। यहाँ बैठ के काम करता हूँ ऐसे, बाकी सर मैं सर डाल लेता हूँ एक आधी। चलो अब बहुत बकवास होगी, पंखा करते हैं चालू और काम करते हैं चार स्टार्ट। बाकी 3 ही लेबर है मेरे अलावा फैक्ट्री में, काम हमारा ऐसे ही है, कभी चलता कभी नहीं चलता, जब नहीं चलता तब टेंशन होती है, जब चलता है तब कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है जी, ये रहा मेरा चार्जर, मैं यहीं छोड़ के जाता हूँ, एक बार चार्ज कर लेता हूँ फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओ भाई नींद आ रही है यार बहुत यार, आज थकावट हो रही है, शरीर दर्द कर रहा है और स्टूल पे बैठने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, मशीन चलाने का ही मन नहीं कर रहा, कुल मिला के सोने का मन कर रहा है। और दिन के 6:30 तो बजी गए हैं, मेरा सोने का मन कर रहा था 12 बजे से, मतलब आज अच्छा ही नहीं लग रहा, पर सोया नहीं। मैं बोला यार चलो यार चलो यार, आलस को टालते डालते 6:30 बज गए और अब भूख भी लग रही है, क्योंकि मैं दिन में एक बार खाना खाने जाता हूँ लंच करने 1-2 बजे के करीब, अब जा रहा हूँ घर पे कुछ खा के आऊँगा। बाकी यार बहुत थकावट हो रही है, मन नहीं कर रहा, फिर दूसरी तरफ होती है चिंताएँ टेंशन जिम्मेदारियाँ, फिर इसलिए मैं सोया नहीं मैं, फिर इसलिए क्या मैं बोला छोड़ो यार हटाओ, दर्द तो रोज का ही है। ओ भाई तो समझ नहीं आ रहा घर जाऊँ या यहाँ रहूँ, घर जाता हूँ कुछ खा भी लूँगा और क्या पता ठीक हो जाऊँ, फिर दोबारा आ जाऊँगा। चलो यार टी शर्ट पहनते और निकलते हैं, टी शर्ट उतार के काम करता हूँ, एकदम रिलैक्स होकर काम करता हूँ, कच्चे में आता हूँ। देखो जीन्स वीन्स तो मैंने पहने हुए भाई साल 2 साल हो गए, जीन्स तो पहनते ही हूँ लोअर और कच्चा है। फैक्ट्री अपना अपना माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बंदे हैं सारे और शुरू से काम कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ लगती है मेरे को अपनी फैक्ट्री, जैसे मर्जी काम करो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं। इन मैडम जी ने भाई चावल ही नहीं बनाया, घर पे आया और टाइम खराब हो गया, दोबारा घर वापस जा रहा हूँ फैक्ट्री में। और इसको देखो कोई जी इज्जत विज्जत है नहीं है कोई, यार पैर दर्द कर रहे हमारे बहुत, पैर वैर हाथ पैर सब दर्द कर रहे हैं, दाब दे तो चले जाएगा पता दोबारा, ये भाई बहुत ज़्यादा हो गया, ये जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही है, इसके नीचे नीचे छोड़ा तो पहुंचे मशीन ठीक कर लेते सिलाई वाली, मशीन ठीक कर ले सिलाई वाली, मशीन ठीक कर लेते यकीन ना एक बार बैठा लेंगे। आ जा
आपकी दादी भी बहुत स्मार्ट लग रही है, सुंदर लग रही है, सुशील कन्या है ना। चला ले तो मशीन सही कर, तो पहले देख सोई गड़ियां ऐसे करे धागा ले जाए। अच्छा फिर भाई ले ऐसे ऐसे कर, फिर डंडा ही ले तो धागा मैं अंदर छुपा रहा हूं, लेकिन फिर वो ढूंढ लेंगे। मैगी बनने का वेट कर रहा हूँ, सफर सबर मैगी बनने का सबर कर रहा हूँ। मैगी बन रही है, आए हैं तो कुछ खा के जाएंगे। इसको पता नहीं भाई इन सब चीज़ों में क्या मज़ा आता है। देखो खट खट की आवाज़ आ रही थी उसमें, इसको मज़ा आ रहा था। यही है इसकी खुशी, पता नहीं क्या फैंटेसी है इसकी। अब नहीं होगा, कर कर कर, थैंक यू। चलो भाई आगे निकलते हैं, टेस्ट लेते हैं एक बार, देखते हैं कैसा है, कैसी बनी है। अच्छी नहीं बनी होगी यार, मैगी तो खाने में मेरे को पहाड़ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मिर्च ज़्यादा कर दी। टाइम था भाई, अगस्त से 2 महीने पहले ही हमने पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते थे। अगस्त से 15 अगस्त से 2-3 महीने पहले से ही पतंग खरीदना स्टार्ट कर देते थे, पतंग लूटना इकट्ठी करना मंजे इकट्ठा करना उड़ाना स्टार्ट कर देते थे। और वो बचपना सब चला गया, अभी भी मेरा बचपना होता ना तो मैं रोज़ पतंग उड़ाता, 15 अगस्त का इंतजार रहता था। इस जिम्मेदारी ने सब गायब कर दिया। अगर भगवान बोले ना तुम्हें क्या चीज़ चाहिए बीते हुए कल से, तो मैं बोलूँगा भाई मेरा बचपना। टेंशन फ्री एकदम मज़े लो ज़िंदगी की, ना करियर की टेंशन, ना शादी की टेंशन, ना बच्चे की, ना फ्यूचर की, ना कुछ, जियो अपने आराम से। बैक टू फैक्ट्री। चलो भाई घर से वापस आते आते 7 बजे, अब 7 से 9:30 बजे तक सीधा काम, और बस सीधा काम। चलो लेट्स गो। चलो भाई छुट्टी कर ली है, अपने दूसरे ब्लॉगर के 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, बताइए हो भाई। अभी कहाँ यार, होने वाले हैं 99 हो गए हैं। और चैनल का नाम आपको एक दिन वायरल होके पता चलेगा, हम नहीं बताएंगे। एक दिन YouTube खुद आपके सामने वीडियो भेजेगा इसके YouTube चैनल की, नहीं वायरल होके सबके पास जाएगी। तो चलो अभी हम जा रहे हैं राजेश के घर पे, वो किस लिए जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताएंगे। चल पिछला ना चलना तू, तो मेरे को आगे भेजेगा मतलब है, तो और क्या? मतलब मैं मेरे को बकरा बना रहा है क्या? बताइयो भाई 100 सब्सक्राइबर हो गए, एक कम रह गया इसका, लाइक क्या बोलना चाहेगा? तो हो गया भाई, अभी खुशी हो रही है 100 के मामले में, खुशी हो रही है भाई, अभी और बढ़ जाएंगे हर 100 पे भाई, 100 बढ़ेंगे हर बार खुशी। और हमने इसके चैनल पर एक वीडियो डाली है, वो वीडियो वायरल होने के चांस है, वायरल हुई तो मजा आएगा। कावड़ लेके आया बंदा, एक कंधे वाली कावड़ लेके आया एक बंदा, हमारे पहली बार देखा मैंने तो रियल में। चलो भाई आज है अगला दिन और हम भी काम पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, निकल चुके हैं। और कल का दिन मेरा कुछ खास नहीं है, कल भी टाइम पास हुआ था। भाई कहाँ जा रहे हो? भंडारा भर के ले जा रहे हैं भाई, छोले चावल का भंडारा हो रहा था भाई, मैं काम कर रहा था, मेरे को किसी ने बताया, फिर मैंने इसको बताया, फिर हमने खाया भी और फैमिली के लिए भी लेके जा रहे हैं। भर के ले जा रहे हैं? हाँ भाई भर के ले जा रहे हैं, बढ़िया है, टेस्टी एकदम स्वादिष्ट। पर ये खाना खा के आ चुका था, मैं सोच रहा हूँ ना भंडारे के लिए एक ऐप लॉन्च कर दूँ। ओ भाई बहुत गर्म है, एक मिनट रुक जाओ, ब्लॉग बंद करना पड़ेगा।